जब हम लोगों की मधुमक्खी भाग करके पेड़ पे लग जाती है, स्वार्म होता है, जैसे एक कॉलोनी में जब अधिक मक्खी हो गई तो एक नया सेल बनाती है, उस नए सेल की क्वीन को निकलने से पहले या निकल जाने के बाद मधुमक्खी स्वार्म करती है। स्वार्म किया हुआ बक्सा अपने आसपास के 100 मीटर के करीब या उससे भी नज़दीक जा करके मधुमक्खी लगाती है। ये हमारा थोड़ा ऊंचाई पे है इसलिए वहाँ पे जाना पड़ा है ऊंचे। इसको अभी हम थोड़ी देर के बाद कैप्चर करके अपने बॉक्स में डालेंगे। ये छोटी सी डाल है, कोशिश करेंगे कि इस डाल को ही रस्सी के माध्यम से नीचे ले आया जाए, नहीं तो दूसरा चांस नहीं लगता है कि इसको कैसे उतारा जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पे है इसलिए बाल्टी का भी पहुंच पाना संभव नहीं है। असल में बकछुट काटते हुए हिल गया है तो दोबारा से दूसरी डाल में लग रहा है, थोड़ी देर वेट करना होगा, लेकिन इस बार मैंने पहले ही डाल को काट लिया है। हमारा स्वार्म अब धीरे धीरे जो है रस्सी के माध्यम से हम नीचे ला रहे हैं, एकदम धीरे 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 धीरे, स्लो करके करो, फिर वह करते हो, हाँ हल्का हल्का धीरे धीरे दियो, अब दियो हल्का हल्का, हाँ इसे इसे एकदम धीरे धीरे, देखो बकचोर फाटे ना चाहिए। हाँ लाओ दियो हल्का हल्का आवाज, देखो करीब आ रहा है, देखो हमारा स्वार्म बिल्कुल करीब आ गया है। ये रहा स्वार्म, बस मुझे छोड़ दियो। स्वार्म को कैप्चर कर चुके हैं, रानी भी इसमें है और नीचे हमारा बॉक्स रखा हुआ है, और ये बॉक्स जो है अभी हम इसको बॉक्स में डाल देंगे। हम हिला के इसमें गिरा रहे हैं, देखो पूरी तरीके से ये स्वार्म कैप्चर हो चुका है।